वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे बात करते हैं तो हम किसी न किसी बार हम कमेंट जरूर करते हैं। कमेंट में हम क्या बोलते हैं, जैसे सोहन कितना टॉल हो गया है, रोहन कितना शॉर्ट है, पूजा कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, वो बिल्डिंग कितनी स्मॉल है, वहाँ का फूड कितना टेस्टी है, या राहुल कितना फैट हो गया है। तो ये सब क्या है, ये वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, फैट, टेस्टी, ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर दोस वर्ड्स विच वी यूज टू डिस्क्राइब और विच वी यूज टू डिस्कस अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव्स, किसी चीज की विशेषता दे रहा है, हमें विशेषता बता रहा है। सो और उसके बाद हम कई बार किसी चीज से किसी से मिलते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये मेरे पास बुक है और पूजा के पास भी बुक है, हम दोनों की बुक सेम है, बट क्या है कि मैंने बुक में बहुत अच्छा कवर चढ़ा रखा है और पूजा ने बुक में कवर नहीं चढ़ा रखा है। सो मैं उससे ऐसे बोलूंगी, पूजा देख तेरी बुक से अच्छी मेरी बुक है, मेरी बुक कितनी सुंदर लग रही है तेरी बुक से ज्यादा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अपने बुक की कंपेयर पूजा के बुक के साथ कर रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, कंपेरिजन। जैसे राहुल सोने से कितना मोटा हो गया है, तो यहाँ पे जो मैं मोटा या फैट वर्ड यूज कर रही हूँ, ये कंपेयर करने के लिए यूज कर रही हूँ दो लोगों के बीच में। उसी तरह जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हो तो हमने बिल्डिंग देखी या वहाँ पे फ्लावर देखे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, रेड रोज, ब्लैक रोज, येलो रोज होते हैं। सो वहाँ पे हम कंपेरिजन कैसे कहते हैं, देखो रेड वाला रोज जो है येलो वाले रोज से ज्यादा सुंदर लग रहा है, देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो या तो हम ऐसे बोलेंगे कि यार कमल सारे फूलों में सबसे जो बेस्ट है वो हमारा कमल का फूल है। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन। सो आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, हमारे थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सो देखिए, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री हम किसी का कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, वर्ड्स को यूज करके सिर्फ हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं, वो होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। और हमारा कंपैरेटिव वर्ड होता है, कंपैरेटिव वर्ड हमारे वो वर्ड होते हैं जिसमें हम टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं। द वर्ड्स विच वी यूज टू कंपेयर बिटवीन द टू थिंग्स आर नोन एज कंपैरेटिव डिग्री। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। देन हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है कि अच्छे में से भी सबसे अच्छे के बारे में बात करना या बुरे में से भी सबसे बुरे के बारे में बात करना, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इधर आपको, राम इज अ टॉल बॉय, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। यहाँ हम किसी के कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या है सिर्फ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम कि राम जो है लंबा लड़का है, राम इज ए टॉल बॉय। सेकंड देखिए, वही एग्जांपल में कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, श्याम इज टॉलर देन राम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, श्याम की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, राम के साथ। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं श्याम इज टॉलर देन राम। अब आप सुपरलेटिव में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में है देवेश इज टॉलेस्ट अमंग ऑल, तो यहाँ पे है ना देवेश इज टॉलेस्ट अमंग ऑल, तो यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, देवेश क्या है सबसे लंबा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब आप सोच लोगे, यहाँ तो मैंने वर्ड टॉल यूज किया है, यहाँ पे वर्ड मैंने टॉलर यूज किया है, एंड सुपरलेटिव मैंने टॉलेस्ट किया है, ये मैंने क्यों यूज किया है, ये इसलिए यूज किया है अगर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना होता है वर्ड को तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, ईआर, और अगर वही चीज हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, ईएसटी। सो कुछ एग्जांपल्स है, बाय एडिंग ईआर एंड एडिंग ईएसटी मेनी ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे मैंने यहां आपको पॉजिटिव डिग्री में वर्ड दिया है स्ट्रॉन्ग, अगर वही हम देखेंगे कंपैरेटिव में, स्ट्रॉन्ग में अगर हमने ईआर ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्गर। सुपरलेटिव में अगर हमने स्ट्रॉन्ग में ईएसटी ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट। देन रिच, रिच का क्या हो गया हमारा रिचर, और सुपरलेटिव में क्या हो गया हमारा रिचेस्ट। देन हमारा यंग, कंपैरेटिव में ईआर ऐड करने से यंगर, एंड इन सुपरलेटिव व्हेन वी ऐड ईएसटी वी गेट ईएसटी यंगेस्ट। एंड पॉजिटिव क्लेवर, इन कंपैरेटिव वी ऐड ईआर वी गेट क्लेवर, एंड इन सुपरलेटिव वी गेट क्लेवरेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट, ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने क्या ऐड किया, ईआर एंड ईएसटी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को फॉर्म करने के लिए। अब आगे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे,
अब इधर देखिए, कुछ हमारे जो पॉजिटिव डिग्रीज होते हैं उसके एंड्स होता है किससे, ई के साथ, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, आर, और या तो हम ऐड करते हैं ई एस टी। ठीक है, अगर हम आर ऐड करेंगे तो हम किस में करेंगे, आर ऐड करेंगे हम कंपैरेटिव में, और ई एस टी हम ऐड करेंगे सुपरलेटिव में। ठीक है, तो जैसे मैंने इधर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, पॉजिटिव में हमारा नोबल, तो नोबल हमारा कंपैरेटिव में हमने आर ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, नोबलर। सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड किया, क्या हो जाएगा हमारा, नोबलिस्ट। फिर उसी तरह वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेविस्ट। आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये सारा जो है नोबल की एंडिंग किससे हो रही है, ई से, वाइस की एंडिंग ई से, प्योर की एंडिंग ई से, और ब्रेव की भी एंडिंग ई से। उसमें हमने क्या ऐड किया, आर 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 आर। ठीक है, और उसी तरह हमने सुपरलेटिव में क्या ऐड किया, ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी एंड ई एस टी। तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल्स, जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिव डिग्री, जितनी भी पॉजिटिव डिग्रीज होंगी उसकी एंड होगा ई के साथ, तो उसमें हमने ऐड किया आर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में हमने ऐड किया ई एस टी। देन हमारे कुछ डिग्रीज आती है जिसका एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वोवल्स मैंने आपको पिछले एक टॉपिक में पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। सो कुछ हमारी जो पॉजिटिव डिग्रीज होती है वो कॉन्सोनेंट वाई से एंड होता है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आई ई आर, आई आर ऐड करेंगे हम कंपैरेटिव के लिए, और आई एस टी हम एंड करेंगे सुपरलेटिव के लिए। और अगर हमारा वोवल से वो एंड हो रहा हो वर्ड, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ई आर कंपैरेटिव के लिए, और ई एस टी किसके लिए, सुपरलेटिव के। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे यहाँ पे हैवी, तो कॉन्सोनेंट वाई इसमें एंड हो रहा है, वाई से हैवी का क्या है, वाई कॉन्सोनेंट एंड हो रहा है ना, तो हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, आई ई आर, क्या हो गया हमारा, हैवियर। आई को, वाई को हमने रिप्लेस करके उसमें आई ई आर ऐड कर दिया। उसी तरह है सुपरलेटिव में आई एस टी ऐड कर दिया, हो गया हमारा हैवीएस्ट। देन हैप्पी, आई ई आर ऐड किया, हैप्पियर, सुपरलेटिव में आई ई एस टी ऐड किया, हैप्पीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। लेजी, कंपैरेटिव में लेजियर, सुपरलेटिव में लेजीएस्ट। वेल्दी हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हो गया वेल्दियर, और सुपरलेटिव हो गया हमारा वेल्दीएस्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये नोट डाउन करें आप। तो यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ हमारी जो पॉजिटिव एंड्स होती है वो एक सिंगल सिलेबल से एंड होती है या सिंगल कॉन्सोनेंट से होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले तो क्या करते हैं, पहले हम जो है उसको डबल करते हैं कॉन्सोनेंट को, फिर उसमें हम ऐड करते हैं ई आर ई एस टी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ हमारे पॉजिटिव एंड्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल सिलेबल से एंड होते हैं या सिंगल कॉन्सोनेंट से एड होते हैं। ठीक है, उसमें शॉर्ट वोवल्स होता है, शॉर्ट वोवल हो गया कि मतलब सिर्फ एक साउंड होती है और वोवल होता नहीं है, तो उसमें हम ऐड करेंगे डबल कॉन्सोनेंट को, डबल करेंगे उसमें, फिर हम ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए, और ई एस टी ऐड करेंगे सुपरलेटिव के लिए। जैसे इधर है थिन, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ सिंगल इधर आई हमारा जो आ रहा है वोवल्स सिंगल आ रहा है इधर पे, ठीक है, सिंगल सिलेबल है थिन, उसमें हमने क्या ऐड किया, एन कॉन्सोनेंट को एन डबल एन किया उसमें, और फिर ऐड कर दिया ई आर, क्या हो गया हमारा, थिनर, और सुपरलेटिव में थिनेस्ट। उसी तरह हॉट, हॉटर, सुपरलेटिव में हॉटेस्ट। देन बिग, बिगर, बिगेस्ट, फार, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, जिसमें क्या है, सिर्फ सिंगल सिलेबल है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, और उसमें शॉर्ट वोवल्स की साउंड आ रही है, हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, उसको पहले तो हम डबल कॉन्सोनेंट कर रहे हैं, फिर उसमें ई आर कंपैरेटिव के लिए, कंपैरेटिव के लिए ई आर ऐड कर रहे हैं, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी ऐड कर रहे हैं। देन आता है हमारा कुछ ऐसे है, कुछ डिग्रीज होती है पॉजिटिव डिग्रीज में, क्या होते हैं, टू या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं, टू या मोर देन टू सिलेबल होते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, मोर या मोस्ट, बिफोर कंपैरेटिव और बिफोर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव से पहले हम उसमें ऐड करते हैं वर्ड, कंपैरेटिव में हम पहले ऐड करेंगे उस पॉजिटिव वर्ड से पहले हम क्या ऐड करेंगे, मोर, और सुपरलेटिव में हम पॉजिटिव वर्ड से पहले ऐड करेंगे मोस्ट। जैसे इधर हमारा ब्यूटीफुल, तो इधर हमारा कंपैरेटिव में क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, यहाँ पे हो गया हमारा जो है कंपैरेटिव मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव हो गया हमारा मोस्ट डिफिकल्ट।
देन आता हमारा फेथफुल, पॉजिटिव डिग्री में फेथफुल, कंपैरेटिव में हमारा मोर फेथफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट फेथफुल। देन है हमारा इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट, पॉजिटिव डिग्री में हो गया इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंपॉर्टेंट और हमारा सुपरलेटिव में हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमारी जो है कुछ एडजेक्टिव्स होती हैं जो क्या वो इररेगुलर होती है, मतलब उसके वर्ड्स ना चेंज रहते हैं, तो उन डिग्रीज को हमें याद करना होगा। जैसे आप टेबल में देख रहे होंगे तो उसमें हमें क्या दे रखा है, गुड। सो गुड हमारा क्या है, पॉजिटिव में गुड है। अगर वो हम कंपैरेटिव में देखें, कंपैरेटिव में क्या है गुड का, बेटर। और अगर उसे सुपरलेटिव सबसे अच्छे में देखेंगे तो बेस्ट। उसी तरह बैड, बैड का वर्स, और फिर सुपरलेटिव में वर्स्ट। देन हमारा है लिटल इन पॉजिटिव और कंपैरेटिव में लेस, एंड देन हमारा सुपरलेटिव में लीस्ट। तो आज हमारा टॉपिक था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।